नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार वन रक्षक यानी कि बिहार की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो पूरी डिटेल दूंगा कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके बाद में दोस्तों आपके लिए पूरी डिटेल में देने वाला हूं कि आपको एग्ज़ाम की जो फ़ी होगी वो कैसे पे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग सबसे पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप आएंगे तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, ये इस तरह से हमारे पास में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट का ये जो लिंक था वो खुल के सामने आ चुका है। उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में हम ये जो पूरी डिटेल दी गई है इसको हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, और इसको पढ़ने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर चेक मार्क करके हमारे लिए क्या करना है, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके लिए किसी भी कैफ़े पे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही ये जो फॉर्म है इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम दोस्तों अमर है, अगर तो मैं अमर, मिडिल नाम जैसे मान लो मेरा सिंह है, उसके बाद में सर नेम मेरा राठौर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने पूरा फिलअप कर दिया। उसके बाद में सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है कि हम इंडियन हैं। उसके बाद में इंटर एप्लीकेशन एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम कि मोबाइल नंबर अपना इंटर कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसमें मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ 9760435241, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, यहाँ पर फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस मैं डाल लेता हूँ शिवा कंप्यूटर ट्यूटोरियल @gmail.com। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने जो है वो ईमेल आईडी डाल दी। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, इन पे आपको कुछ चेक मार्क लगाना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यहाँ पर अगर आप बिहार के हैं तो यस कर दो, अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो नो कर देते हैं। जैसे मैं बिहार का हूँ तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद में आर यू एन एम्प्लॉयड ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट की कोई और सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है ध्यान देने वाली बात है, आपको अपने रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप किसी ऐसी कास्ट से हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन लागू है तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे आप OBC से हैं या फिर आप SC से हैं तो आपको यहाँ पर SC क्लिक कर देना है। सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, फिर यहाँ पर आपको अपने जेंडर क्लिक करना है, अगर आप महिला हैं तो आपको फीमेल करना है और अगर आप पुरुष हैं तो आपको मेल करना है। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 1 जनवरी 2020, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा जिससे आपको ठीक से दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1999 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दी, ये मेरी यहाँ पर पूरी एज निकल कर आ गई। आज की डेट में मैं 20 साल 5 महीने 24 दिन का हो चुका हूँ। उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से मेरा जो है वो पूरा रजिस्ट्रेशन रिव्यू एंड कंफर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों वो खुलकर सामने आ जाएगा। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि आपने जो भी डिटेल दी है वो पूरी की पूरी सही है। उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर दोस्तों एक चेक मार्क लगाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कैप्चा इमेज इंटर कर देनी, CBMSBG। कैप्चा इमेज को इंटर करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पे
क्लिक कर देना है। अगर आपसे कुछ भी डिटेल यहाँ पर गलत हो गई है, आपको दोबारा से उसको एडिट करना है, तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दें। अगर ये सही है पूरी डिटेल, तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ओके कर देंगे, फिर आपके लिए ये पेमेंट के लिए ले जाएगा। फिर आपको जैसे ही दोस्तों आप नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर मुझे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर ओके कर देना है। फिर उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी के लिए आपको इस यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी खुल के, एक कैप्चा, उसमें आपको एंटर कर देना और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हाइट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, या फिर जो भी आपके मन में सवाल आते हैं, तो उस भी उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप वो वीडियो भी देख लें, उसका लिंक आपके लिए आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।